हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास विंडोज़ 11 में ये एरर आ रहा है, एरर कोड 48 ड्राइवर फॉर दिस डिवाइस हैज़ बीन ब्लॉक्ड, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको जो है डिवाइस मैनेजर ओपन करना है। स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले अडाप्टर का ऑप्शन है, आप इसको डबल क्लिक कीजिए, ये ऑप्शन एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो भी ग्राफिक कार्ड है तो आपको उसके ड्राइवर को अपडेट कर देना है। सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इसके ड्राइवर अपडेट हो जाएंगे, फिर आप इसको क्लोज कर देना है। एक और बार आपको जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है, फिर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट इस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए। आपको यहाँ पर ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर शो हो जाएंगे, फिर आप उसको सेलेक्ट कर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है, यहाँ पर ऑल सेटिंग्स को आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको जो है विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर विंडोज़ अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर चेक करना है आपके पास विंडोज़ अप टू डेट है या नहीं। अगर आपके पास यहाँ पर विंडोज़ अपडेट पेंडिंग में है तो आप उसको कंप्लीट कीजिए, डाउनलोड कर इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आप अपने पीसी को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।